शहर हो बुलंद तुम, बुलंदी पर बुलंद रहना, नजर न लगे तुम्हें, अपनी पहचान पर स्वच्छंद रहना। क्यों मिटती है तुम्हारी बुलंदी महिलाओं के अपमान में, क्यों बचा नहीं पाते बेटियों को अपने पुरखों के सम्मान में। ये कैसा अभिमान है आखिर, जिससे व्यवस्था नहीं संभलती है। शहर में जो अपराध हो रहे हैं, इसमें किसकी गलती है। सुना है बहुत है तेरे शहर के अफसाने, पता है तेरे पास है राजा महाराजाओं के खजाने। बेदाग रख अपने इतिहास के गौरव को वर्तमान के मंजर से, अब द्रौपदी की आबरू को सलामत रख गौरवों के खंजर से। बुलंद शहर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश राज्य का एक ऐतिहासिक शहर है, जहां भारतीय अतीत से जुड़े कई साक्ष्यों को देखा जा सकता है। इस शहर का इतिहास 1200 वर्ष पुराना है, जिसे कालांतर में बरन के नाम से जाना जाता था। यहां अहिबरन नाम के एक तोमर राजा ने बरन नाम का किला बनवाया था, जिसके बाद उसने अपनी राजधानी बरन शहर के नाम से यही स्थापित की। बाद में इस शहर का नाम बदलकर बुलंद शहर हो गया। बरन साम्राज्य व्यापार, वाणिज्य और कला के लिए एक मुख्य केंद्र था, जो सैकड़ों वर्षों तक अस्तित्व में था। 1192 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी ने भारत के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की, तो उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को बरन किले पर डेरा डालने का आदेश दिया। फलस्वरूप ऐबक ने राजा चंद्रसेन को पराजित कर बरन साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। वर्तमान समय में प्राचीन खंडहर, वीरपुर, गालिबपुर इत्यादि बुलंद शहर की पुरातनता का प्रतीक है। जिले में कई अन्य महत्वपूर्ण स्थान हैं, जहां से मध्यकालीन युग की मूर्तियों और प्राचीन मंदिरों की वस्तुओं की स्थापना की गई थी। आज भी लखनऊ राज्य संग्रहालय में सिक्के, शिलालेख इत्यादि जैसे कई ऐतिहासिक और प्राचीन वस्तुएं संरक्षित हैं। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के दौरान 1857 में भी बुलंद शहर ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के अन्य जिलों की भांति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से पीछे नहीं हटा। संकल्प का एक संदेश नारायण शर्मा पंडित द्वारा 10 मई 1857 को बुलंद शहर के लिए अलीगढ़ से लिया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भी शासक अहिबरन की आगे की पीढ़ियों ने भी यहां कई वर्षों तक राज किया। उन्हीं में से एक राजा अनूप राय ने यही पास में अनूप शहर नाम से एक नगर की नींव रखी। गंगा के तट पर बसा यह शहर छोटी काशी के नाम से विख्यात है। बुलंद शहर का सबसे प्रसिद्ध व खूबसूरत घाट बाबा मस्तराम गंगा घाट इसी शहर में है। साथ ही साथ इसी शहर के अंतर्गत महर्षि भृगु जी की तपस्थली है, जिसे भृगु आश्रम के नाम से जानते हैं। ऐतिहासिक पर्यटन के लिहाज से यह शहर अपने आप में रमणीय है। बुलंद शहर भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के ठीक पश्चिम में स्थित है। गंगा नदी पूर्व में इस जिले को मुरादाबाद और यमुना नदी पश्चिम में जिले को हरियाणा राज्य और दिल्ली से अलग करती है। जिले के उत्तर में गाजियाबाद और दक्षिण पूर्व में अलीगढ़ जिले की सीमाएं हैं। इसका क्षेत्रफल 1887 वर्ग मील है। यहाँ की भूमि उर्वर एवं समतल है। गंगा की नहर से सिंचाई और यातायात दोनों का काम लिया जाता है। निम्न गंगा नहर का मुख्य कार्यालय नरौरा में स्थित है। बुलंद शहर, अनूप शहर, बुगरासी, औरंगाबाद, खुर्जा, पहासू, सियाना, खानपुर, डिबाई, सिकंदराबाद, जहांगीराबाद व शिकारपुर इसके प्रमुख नगर हैं। व बुलंदशहर नगर इस जनपद का मुख्यालय है। बुलंदशहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिल्ली से 85 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है और सड़कों के माध्यम से मेरठ, अलीगढ़, बदायूं, गौतम बुद्ध नगर,
व गाजियाबाद से जुड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन नगर के मध्य में होने के नाते यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। प्रशासनिक रूप से यह जिला 2 लोकसभा, 7 विधानसभा, 7 तहसील, 16 खंड, 17 नगर पालिका व नगर पंचायतों, 951 ग्राम पंचायतों और 27 पुलिस स्टेशन के क्रमबद्ध जाल से बंधा हुआ है, जहां की जनसंख्या 34,99,171 के आसपास है और जनघनत्व 788 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की ऊर्जा और प्रगति में योगदान देने वाला नरौरा ताप विद्युत संयंत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले के नरौरा में स्थित है, जो आजादी के बाद देश का गंगा नदी पर प्रथम बैराज के नाम से अपनी पहचान बनाए हुए है, जिसका उद्घाटन देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वर्तमान समय में इसकी प्रत्येक इकाई की क्षमता 220 मेगावाट है। यह स्वदेशी तकनीकी से डिजाइन किया हुआ उन्नत दबाव युक्त तथा भारी जल आधारित संयंत्र है, जो गंगा के तट पर स्थित है। अपनी उच्चता को धारण किए हुए बुलंदशहर अपने आसपास के क्षेत्रों से भौगोलिक रूप में बहुत अलग प्रतीत होता है, लेकिन कुछ स्थानों पर किसानों के परिश्रम से भूमि कृषि योग्य कर ली गई है। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूं, चना, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, कपास एवं गन्ना आदि हैं, जबकि बुगरासी के आम के बाग विदेशों तक मशहूर हैं। सूत कातने, कपड़े बनाने का काम जहांगीराबाद में, बर्तनों का काम खुर्जा, लकड़ी का काम बुलंदशहर व शिकारपुर में होता है। कांच से चूड़ियां, बोतलें इत्यादि वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो करघे से कपड़ा बुनाई का भी काम होता है। बुलंदशहर में पानी के हैंडपंप बनाने की भी अनेकों इकाइयां मौजूद हैं। समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत वाला एक प्राचीन शहर एक गौरवशाली ऐतिहासिक अतीत के कारण प्रसिद्ध है। शहर औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के लिए जाना जाता है बुलंदशहर। खुर्जा क्षेत्र में पाए जाने वाले पॉटरी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दुनिया भर के पिलग्रिम्स बुलंदशहर की यात्रा करते हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से इस जिले का अपना एक अलग महत्व है, जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। राजघाट में गंगा के पवित्र नदी के किनारे स्थित हनुमान मंदिर और आहार में देवी अवंतिका और भगवान शिव के मंदिर अपनी अनुकंपा के लिए प्रसिद्ध हैं। अनूपशहर इस क्षेत्र में एक और धार्मिक स्थान है, जो बुलंदशहर में भक्तों की बड़ी संख्या को आकर्षित करता है। बिपकौल चोल पोलियो वैक्सीन फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध एक छोटा सा गांव है, तो दूसरी ओर कर्णवास का महान ऐतिहासिक महत्व है, जो महाभारत में वर्णित दानवीर कर्ण के नाम से जुड़ा हुआ है। वलीपुरा गंगा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा प्राकृतिक गांव है, जिसके वन संपदा को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आम जन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। आप सिकंदराबाद का भी भ्रमण कर सकते हैं, जहां की नींव सिकंदर लोदी ने 1498 ईस्वी में रखी थी। चिश्ती साहब जैसे ऐतिहासिक स्मारक यहां के प्रसिद्ध स्थान हैं। इन सभी पर्यटक स्थलों के अलावा बेलोन का हिंदू मंदिर, टेसू अर्थात पलाश के फूल से होली खेलने की परंपरा और काला आम चौराहा का अपना ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि कालांतर में अंग्रेजों द्वारा अपराधियों को लटकाकर सार्वजनिक निष्पादन के लिए काला आम चौराहे का इस्तेमाल बखूबी किया जाता था।